तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि फिर से 59 और 58 का रिव्यू कर उसको खत्म करें। और ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू सर, आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट वंस अगेन सर। सर आई कम फ्रॉम ओल्ड सिटी सर। ओल्ड सिटी में सर मुसलमान नहीं, ओल्ड सिटी में हिंदू भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भाई भी है, सिख भी है, ईसाई सब रहते हैं। सर हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा मसला जो मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं वो लाल दरवाजे की मंदिर का इशू है। कई दिन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 करोड़ रुपया मंजूरी दी थी। मैंने श्रीनिवास यादव साहब से भी बात की है इस ताल्लुक से। श्रीनिवास यादव साहब ने कहा कि बराबर बैठकर करेंगे, वहां के जो हेड पुजारी है वो सारे लोग मुझसे मिलकर फिर से बोले हैं अकबर साहब कि प्रॉमिस हुआ था, सैंक्शन हुआ है, मीटिंग्स हुए हैं, अभी काम होना बाकी है, प्लीज उसको स्पीड अप कर जल्दी करवा दीजिए। और कल्याणा मंडपम के लिए भी जो मनादिर में मंडपम की मंजूरी दी गई थी, कल्याणा मंडपम की, वो काम भी पेंडिंग है, जरा उसको भी अगर आप स्पीड अप कर देंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में भी ये बात आएगी कि ये गवर्नमेंट और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबको साथ लेकर चलती है। और मैं ये कहना चाहता हूं पुराने शहर के मेरे हिंदू भाइयों से भी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर एक की नुमाइंदगी करती है। हमारा दिल और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिस तरीके से मुसलमान हमसे आकर अपने मसाइल को पेश कर सकता है, हमारा हिंदू भाई भी आता है, पेश करता है, हम उनके लिए भी लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। और पुराने शहर को डेवलप करते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी तरक्की को हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं फिर से फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप प्लीज उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर, उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर कर दीजिए। इतने दवाखाने रियासत में आ रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूं एक मेडिकल कॉलेज बनाना कितना मुश्किल होता है, एक दवाखाना चलाना कितना मुश्किल होता है। आपने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, हमारी जानिब से हम पूरा सपोर्ट आपको करेंगे और आपके इस मिशन में आपको कामयाबी के लिए हम ताउन भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर को ले लीजिए। और उसके साथ साथ चारमीनार का दवाखाना है, चारमीनार हॉस्पिटल का भी है, वो यूनानी एजुकेशन का, उस ताल्लुक से भी मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि उस पर भी गौर करें। और फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से फंड्स दिए जा रहे हैं माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए, स्टेट का शेयर होता है, काइंडली रिलीज द स्टेट शेयर सो दैट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर माइनॉरिटी इज नॉट हॉल्टेड और डिलेड सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं हुकूमत का मुबारकबाद दूंगा कि हुकूमत ने बहुत ही कामयाबी के साथ रेजिडेंशियल स्कूल्स को चला रही है। रेजिडेंशियल स्कूल्स कामयाब हुए, रेजिडेंशियल स्कूल्स जूनियर कॉलेजेस में तब्दील हुए, और फिर ये जूनियर कॉलेजेस अब डिग्री कॉलेजेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है। टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज में कई वैकेंसीज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर भी जरूर गौर करेगी। और आखिर में सर मैं आई मस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट नॉट ऑल एलिजिबल jobless youth in the state have been provided with jobs in the private or government sector. There are lakhs of educated and other jobless youth who are eagerly waiting for the unemployment dole of rupees 3016 per month promised by the TRS, now BRS, at the time of 2018 assembly poll sir. So however, the finance minister saab has disappointed the state youth, and I don't find any reference about this in the budgetary allocation for this scheme in the 23-24 budget speech sir. Sabko de rahe hain, is taluq se bhi hamdardana gaur karne ki main appeal karta hu, kyunki berozgar naujawan bahut hain. Aur uske sath sath sir, I would request the finance minister sahab to clarify when this scheme would be initiated and started sir. Aur jitne bhi masail humne uthaye hain us taluq se, मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत
संजीदगी के साथ हमारे उठाए हुए मसाइल पर गौर करेगी। और स्पीकर साहब, आपने जो मुझे मौका दिया है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।